हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जैक की काज मशीन के ऊपर। जैक की 781 GZ मॉडल है फ्रेंड, जो इस वक्त एकदम लेटेस्ट चल रही है, उसी की हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 781E मॉडल के ऊपर बनाया हुआ था जैक की, और फुकेन की 781D मॉडल पर बनाया हुआ था। तो वो भी मॉडल का आप वीडियो देखना चाहेंगे तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा फ्रेंड, देख लीजिएगा। प्राइसेस भी इसकी डिस्क्रिप्शन में होंगी, प्राइस भी इसका आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसको एडिट वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं आपको लिंक इसकी फ्रेंड। हम लोग हाँ जरा ऐसा दिखा दीजिए, इसका मॉडल मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये इसका डायमेंशन है, 65 kg इसका कार्टन के साथ वज़न है, 45 kg नेट वज़न मशीन का होगा। बाकी ये इसका डायमेंशन है सेंटीमीटर में, और ये आपका मॉडल है 781 JK 781 GZ। ये मशीन है फ्रेंड, इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं। अब ये मशीन आपके दो पार्सल इसके बनते हैं, एक में तो आपका मशीन का मुंडी होता है, जैसे ये कार्टन है तो इसके अंदर सिर्फ मशीन निकलेगी आपकी, और एक कार्टन होता है जिसके अंदर पौधान और इसके पटरे होते हैं फ्रेंड। काफ़ी हैवी मशीन होती है ये सब, और काफ़ी बेहतरीन पैकिंग में भी आती है, इसलिए कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। बहुत अलग मशीन ये बनाई गई है फ्रेंड, 781E मॉडल खुद ही बहुत ही एडवांस मशीन थी, पर ये और ज़्यादा अपडेटेड मशीन है, काफ़ी ख़ूबसूरत मशीन है। जितने एक्सेसरीज़ होंगी मशीन की फ्रेंड, वो एक इसमें बॉक्स के अंदर रहेंगी आपकी, और पौधान की जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं वो आपके पौधान वाले कार्टन में होते हैं। इसी पर काफ़ी बड़ा कार्टून है इसका, प्लास्टिक निकाल दीजिए ताकि हाथ ना लग जाए। दोनों लुक में भी अलग है फ्रेंड, कार्टन बाहर कर दीजिए। लुक भी मशीन का काफ़ी अलग दिया हुआ है इसका, ये अलग से बॉक्स की तरह बाहर निकला हुआ है, ये पहले नहीं इस तरह से होता था। ये पीछे का बैक पोजीशन देख लीजिए, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। 550 वाट की पावर की मोटर है इसके अंदर, सर्वो मोटर होती है। अब जितनी भी मशीनें आती हैं सभी में सर्वो मोटर होती है, ये पूरा सर्वो कंट्रोल सिस्टम होता है, बहुत आराम से ये मशीन चलती है, इन्वर्टर वगैरह पे भी बहुत आराम से चलाई मशीन सीधी कर उन्होंने देना मशीन सीधी, ये रबर खाली ऐसे घुमा दो सका दो, ये देखिए बहुत खूबसूरत मशीन। पूरा इसमें धागा इसका जाने का सिस्टम है, हाँ इसका इसके अंदर क्या कर दिया फ्रेंड ना, ये LCD डिस्प्ले दे दिया इन्होंने, जरा खोल दीजिए उल्लू इसको,
पहले क्या था ना फ्रेंड कि मशीन का जो पूरा डिस्प्ले होता था वो इस पर होता था यहाँ पे 781E में। तो जब आप काज बैठ के इस साइड बनाते थे जो मशीन का जो डायरेक्शन होता था, जरा बोलो मशीन का डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए ना, इसको इस तरह मेरे तरफ, हाँ इसको छोड़ दो ना, उस चीज़ को हटाओ, हाँ अब इसको इधर मेरे तरफ जी, बस इस तरीके से छोड़ दो बस। तो अब जब फ्रेंड मशीन पे काज बैठ करके कारीगर करते थे यहाँ पे, तो जब उनको यहाँ से डिस्प्ले से कोई भी चीज़ में बदलाव करना पड़ता था तो यहाँ से फिर उनको चेयर, अब यहाँ बैठे हैं वो फ्रेंड, तो फिर यहाँ से उठ करके उनको आके यहाँ पे डिस्प्ले में जो भी चेंजेस होती थी उसको करना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती थी कारीगर को। अब इसमें क्या कर दिया, इसीलिए ये डिस्प्ले LED डिस्प्ले जो दिए हुए हैं ये आपका सामने लग जाएगा। अभी हम लोग उसको लगा रहे हैं फ्रेंड, फिर आपको बताते हैं। इसको हम लोग अभी इसमें फिट करके फिर आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये जो आपको इसके साथ ये LCD डिस्प्ले जो इसका दे रहे हैं इसके अंदर, ये आपको लगाना होगा। पहले यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, पर ये इसमें फिट नहीं होगा आपका। इसका जो पॉइंट है ये मशीन के मोटर के ठीक नीचे से है, हाँ ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये चार पॉइंट है इसके अंदर, पूरा चार पॉइंट लगाने वाले हैं, और इसमें आपका चार पॉइंट दिया हुआ भले है लेकिन इसमें तीन सिर्फ वर्किंग है, तो ये इसमें लगेगा नहीं आपका, ये आपको नीचे लगाना होगा। ठीक है लगा दीजिए। तो हाँ ये आपका खट से करके जब आवाज़ आएगी, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब इसके आगे के लिए ये जो फिट होना है वो यहाँ पे फिट होना है, तो इसका आपको पूरा एक्सेसरीज़ में से सामान निकालना पड़ेगा। इसमें आपका जो वायर दिया हुआ है वो इस टाइप का है, तो आपको इस तरह का एक सॉकेट ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से जिसमें ये लग जाए। ज़रा लगा के दिखाइए तो उसमें, ये आपको कह के लेना पड़ेगा कि इस तरह का इसमें फिट हो जाए। ये देखिए आपका इसमें ये लग जाएगा। अब आप अपनी पावर सप्लाई में इस खटके को लगा देंगे, काम चालू हो जाएगा। ठीक है अब ज़रा हम लोग ये डब्बा खोलिए निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। इसी ये सही है, खोलिए ना, अच्छा इसके अंदर आपका देखिए ये स्टैंड पूरा दिया हुआ, इसीलिए काफ़ी भारी था ये मशीन के नीचे आपका, ये यहाँ मशीन के नीचे लग गया। रेगुलेटर ये आपका हो गया, चेक करके दिखाते हुए इसको साइड में, ये आपका फ्रेंड है, ये आपको भी मशीन के नीचे यहाँ लगाना होगा। इसी के अंदर पूरा ऑयल भराता है उसके अंदर, और ये आपका अलग अलग तरह का काज बनाने वाला, अलग अलग साइज़ का काज बना सकें आप उसी हिसाब से। ये अलग अलग गियर दिया हुआ है इसके अंदर, ये आपका यहीं से चेंज आपको करना होगा। जैसे ये साइज़ का लगा है, आपको साइज़ इसमें चेंज करना है, तो जो इसके अंदर अलग अलग साइज़ के दिए हुए हैं, एक दो तीन, तीन तरह के इसमें दिए हुए हैं फ्रेंड। इसमें एक छोटा एक बड़ा लगता है, उसी हिसाब से तीन पेयर और इसमें दिया हुआ है। ठीक है ये आपका रेगुलेटर हो गया, इसी इसको आप दबाएंगे जब जब खोल दो तो प्लास्टिक वगैरह से थोड़ा इसको भी हटा दीजिए किनारे उसी तरह से। ये आप इसका रेगुलेटर दबाएंगे पैडल से इसको कनेक्ट करके, तो आपकी मशीन चलेगी। चलिए मशीन को निकालते हैं, ये इसमें आपका ऑयल इसके अंदर पड़ा होगा, हाँ अब ये सब ख़त्म हो गया, अब बाकी इसी में है। इसको रख के इसको हटा दीजिए बाकी,
इसी में बनाती है पास्ता में दिखे सब चीज़। ठीक है, ये आपका मशीन का कवर हो गया, ये बुक्स हो गई आपकी, ये जो टंकी के अंदर तेल भरे रहते हैं फ्रेंड, तो उसको आप तेल निकालना चाहेंगे तो उसके लिए ये पाइप दिया हुआ है, इसी में से निकालने के लिए होता है। स्क्रू ड्राइवर वगैरह है और निकालिए। ये आपका जो है धागा रॉड है पूरा, इसको निकालिए और कितना दिखा। ये सब आपका जो है ऑयल है, ये शीन कार्ड है, ये क्लैंप है फ्रेंड, हम लोग इसी क्लैंप में इसको लगाने की कोशिश करेंगे अभी, देखते हैं कैसे बैठता है ये। और ये पूरे आपके देखिए, इसको दिखाइए हमें, ये पूरे आपके जो है टूल्स हैं फ्रेंड, बहुत संभाल के आप रखिएगा। ये सब बॉबिन है, ये सब तमाम तरह की एलकीज़ हैं इसके अंदर, ये सब पूरी फिटिंग्स हैं जिससे आपकी मशीन कसाएगी। ये चिमटी है ये आपकी, ये पूरे तरह के विंच हैं, ये भी क्लैंप है। ठीक है सब उसी तरह रख दीजिए, ए टू जेड जितनी चीज़ होती है सब फ्रेंड पूरा कार्टन के अंदर दे दिए रहते हैं, बस आपको हर चीज़ संभाल के रखना है। जैसे दिखा दीजिए हम लोग कैसे लगा दें मनोज जी, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स पहले आपने देखा कि ये निकला था क्लैंप, इसको आप जो है ये स्क्रीन गार्ड, ये जो अपना है एलसीडी डिस्प्ले, इसी पे यहाँ पे कस लेंगे और फिर एक हिस्सा इसके साथ ये निकलेगा, इसको हम लोग देखेंगे कैसे ये लग रहा है। तो ये आपका अंदर से रहेगा ये, ये दो आपको ऊपर से दिखेंगे, बाकी यहाँ पे उसी हिसाब से घाट बनाए कस लेंगे आप। फिर यहाँ मशीन में जो पेंच कसे हैं दोनों, उसको दोनों खोल लीजिए, पीछे कर दीजिए। JK 781GZ ये मॉडल की मशीन है। इसमें देखिए फ्रेंड ये चीज़ बहुत अच्छा इन्होंने किया है, जो कस जो अपने यूज़ करने वाले होंगे, जो यूज़र होंगे इस मशीन के, उनको बहुत आराम मिले, इसी को ध्यान में रख करके इन्होंने यह नया फीचर दिया है। अब आप देखिए फ्रेंड यहाँ बैठ के जब काम कर रहे हैं तो आप जो चाहे वहीं से बैठ के ये बटन को यहाँ से दबा सकते हैं, क्योंकि पहले आपके बटन्स जितने होते थे इस पे होते थे तो आपको घूम करके आना पड़ता था, अब ये सामने है तो थोड़ा आपको हर चीज़ आप वहीं से बैठे हुए देख लेंगे कि क्या चीज़ क्या प्रोग्रामिंग इसमें चल रही है। ठीक है, ज़रा मशीन हम लोग ऑन किया जाए। ये वो प्रिंटर वाला निकाल लीजिए, एकदम किनारे वाला, हाँ उसको निकाल लीजिए। मौसम लोगों ने पावर ऑन कर दिया है, ये आपकी मशीन फटाक से ऑन हो गई। मशीन को थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दीजिए जी, बस बस ठीक है।
अभी आप देखेंगे तो ये मशीन में अभी एरर 20 दिखाएगा। अभी जब ये पूरा तरीके से मशीन इंस्टॉल हो जाएगी पूरे पा, अभी देखिए सब में, सब वायर्स में कोई भी चीज़ें लगी नहीं, जरा रेगुलेटर लगाइए तो इसमें ये सब चीज़ें खुली हुई हैं, अभी कोई चीज़ लगी नहीं है, इसीलिए अभी मशीन आपकी चल नहीं सकती है। तो एरर 20 दिखा रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मशीन, बहुत खूबसूरत। अब यहाँ से आप बैठ करके मशीन को अपना यूज़ करिए, यहाँ से ये आप मशीन यहाँ से यूज़ कर रहे हैं और यहीं से आप जो है इसके ऊपर जो भी चीज़ है, जो कमांड है, आप मशीन को दे सकते हैं बैठ कर कहीं से। तो ये चीज़ बढ़िया फीचर दिया है। बाकी जैसे 781 ई मॉडल होती थी, सेम वही फीचर इसमें भी है। 781 वाले के वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। मशीन पहले बंद करिए, रुकिए रुकिए, मशीन पहले बंद कर दीजिए, पूरा कर मशीन बंद करके ही वायरिंग करिए फ्रेंड्स। जब पूरा करंट आपका चला जाए तब किसी तरह का आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ये कहाँ कहाँ लग रहा है दिखा दें हम लोग, सब यही जगह बना हुआ है अपना। अच्छा, जैसे ये छः वाला ये है। अच्छा, एक मिनट करिएगा फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, रेगुलेटर का आपका पहले इस साइड से लास्ट इसमें रहेगा। अच्छा, रेगुलेटर का एकदम किनारे है, इसके बाद मशीन का जो रहेगा किसमें रहेगा। अच्छा, जी यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे दो था, दो तो वो दो कहाँ कहाँ लगा, एक यहाँ लग गया है। अच्छा, एक यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा, ये एक अभी बचा कैसा है, अभी लगाना है ना इसको, कहाँ लगाइए, एक यहाँ लग गया ये। हाँ एक बार। अच्छा, रेगुलेटर वाला हम लोग नहीं देख रहे थे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो आपके वायर थे यहाँ पे, यहाँ दो वायर थे तो वो दो वायर लग गए आपके नीचे, और एक ये देखिए रेगुलेटर का वायर है जिससे आपकी मशीन चलेगी, तो ये तीसरा, इसीलिए आप देख रहे होंगे तीन वायर नीचे पूरे लगे हैं और एक आपका ये LCD का जो है ये नीचे जाके यहाँ फिट हुआ है। ये जी ये काला वाला। हाँ ये काला। तो टोटल आपके नीचे चार वायर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और जिसके जो पॉइंट बने हुए हैं उसी हिसाब से उसका घाट बना हुआ है, वहीं जाएगा, इधर उधर वो जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये अभी चलाइए इसका धागा जो है ना एकदम ढीला करिए ताकि धागा नीचे जा सके। ठीक है, इसमें आपका देखिए फ्रेंड्स ऊपर टॉप पे ही बॉबिन वाइंडर दिया हुआ है। 781 में भी यही था, 781 ई मॉडल में ऊपर ही आप धागा यहाँ भर के भर सकते हैं। जैसे ही धागा पूरा भरा जाता है ये हट जा अपने आप ऑटो कट हो जाता है यहाँ। तो ये धागा भरने का ऊपर भी है बॉबिन वाइंडर में, मशीन आपकी इसका थोड़ा सा निकालिए तो चापा उड़ जाएगा, चापा इसका। ये जब मशीन इंस्टॉल होगी फ्रेंड, मशीन इंस्टॉल हो करके तो हम लोग चला के आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी रहने दो। इसको फ्रेंड्स हम लोग मशीन को पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसको चला करके फिर हम लोग दिखाते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपके काम आए, आपको वीडियो अच्छा लगे। अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, शुक्रिया।